Hello friends! Today we are going to discuss about processing of tea. So for the processing of tea, leaves are plucked by labor first. An experienced plucker can gather as much as fifty kilogram of tea leaves every day. And after that processing is done. So in processing, Generally, four steps are there. First one is withering, second one is rolling, third is fermentation, fourth is drying, and last we do grading and sorting. In case of black tea, all the four or five steps include in the processing. There are different types of tea like black tea, green tea, oolong tea, brick red tea. So, we will discuss one by one. First, in case of black tea, black tea is commercially very important and it is produced in India, China, Ceylon, Indonesia, East Africa. So, first step is withering. So, harvested fresh leaves. Sent to the factories and where they are withered off for 24 hours on well ventilated indoors shelves or we can say that racks. The leaves may be exposed to sun or warm air. Withering ka purpose kya hai? Withering lowers the water content of the leaves.

अब जो रोलिंग मशीन्स हैं वो जो लीव्स होते हैं उनके सेल्स को ब्रेक कर देती है जिसकी वजह से जो भी जूसेस होते हैं लीव्स uh, में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो एक मास सा बन जाता है द लीव्स गेट्स म्यूर्ड और जिसकी वजह से फिर फर्मेंटेशन होती है फर्मेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द प्रोसेसिंग ऑफ लीव्स जब फर्मेंटेशन होती है तो जो भी पॉलीफिन होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू थियाफ्लेबिन थिया और जो एंजाइम इनको ऑक्सीडाइज करता है दैट इज़ पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जिसकी वजह से एक करेक्ट्रिस्टिक टाइप का टेस्ट ब्रिस्कनेस जो भी कलर होता है वो आता है या जो भी टी की स्ट्रेंथ होती है वो फॉर्मेंटेशन की वजह से होती है नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेंटेशन जो भी रोलिंग होती है जो भी रोल्ड मास होता है लीव्स का देट आर स्प्रेड इन कोल्ड एंड मॉइस्ट फॉर्मेंटेड रूम्स ब्लैक टी में फॉर्मेंटेशन जनरली टू टू सिक्स आवर्स के लिए होती है ब्लैक टी के केस में ड्यूरिंग विच They change themselves from green to reddish coppery colour and develop well pleasing aroma. This is a very important point that in fermentation, tea changes its color from green to reddish coppery. And next step hai, drying or firing. Drying kya hota hai, as the name indicates. ड्राइंग में क्या होगा जो भी फर्मेंटेड लीव्स होंगी उनको हम एयर चैम्बर्स में स्प्रेड कर देंगे जो फर्स्ट फोर्टी मिनट होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है दैट इज फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस और जो भी लास्ट के जो लास्ट का जो भी टाइम होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है दैट इज एटी फाइव टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस अब जो लीव्स होते हैं जब ड्राइंग हो जाती हैं तो लीव्स में सिर्फ थ्री टू फोर परसेंट मॉइस्चर जो है उनमें बचा होता है जो फायरिंग होती है दैट इनिशिएट द फाइनल ड्राइंग प्रोसेस इस टर्म का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल ड्राइंग प्रोसेस है वो शुरू हो गई है फिर लास्ट में हम सॉर्टिंग टी ग्रेड मीन्स की जो टी की जो प्रोसेसिंग हुई है अब उसके अकॉर्डिंग हम टी को छांटना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ कलर उसके बेसिस पे हम टी को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं और उनको पैक कर देते हैं जो टी की पैकिंग होती है वो मोस्टली एलुमिनियम फॉइल जो हैं हम यूज़ करते हैं क्योंकि एलूमिनियम फॉइल जो होता है वो एज अ बैरियर जो है वो वर्क करता है वो ऑक्सीजन से जो है वो बचाता है टी को किसी बैक्टीरिया से ताकि क्योंकि हमारी टी जो होती है दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक वो जल्दी ही मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है इसीलिए हम एलुमिनियम फॉइल का यहाँ पे यूज़ करते हैं नेक्स्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ ब्लेंडिंग एज द नेम इंडिकेट ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं ब्लेंडिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट क्वालिटीज़ की जो भी टी होती है उसको हम मिक्स करते हैं और एक अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट होता है बाकी टी से ब्लेंडिंग का पर्पस यही होता है कि हम टी की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका फ्लेवर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सो ब्लैंडिंग इज द आर्ट बाय विच डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर टी ब्रांड प्रोड्यूस इन अ टी स्टेट्स आर ब्लैंड टूगेदर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट तो अभी तक हमने बात कर ली ब्लैक टी की ब्लैक टी में हमने देखा कि फोर फाइव स्टेप्स हैं इसकी प्रोसेसिंग में सबसे पहले विदरिंग करते हैं ताकि मॉइस्चर कंटे मॉइस्चर जो है कंटेंट उसका वो फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट जो है वो कम हो जाए फिर रोलिंग करते हैं ताकि जो भी सेल है वो जो लीव्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं उससे जूसेस और एंजाइम रिलीज हो जिससे फिर फर्मेंटेशन होगी फर्मेंटेशन होगी तो जितने भी पॉलीफिन होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे थियाफ्लेबिन थिया, थिया रोबिजिन में जिसकी वजह से एक करेक्ट्रिस्टिक कलर एक टेस्ट आता है जब फर्मेंटेशन होती है तो ग्रीन से रेडिश कॉपरी कलर आ जाता है टी में जब ड्राइंग होती है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो थ्री टू फोर परसेंट ही बचा होता है उसके बाद हम टी की सॉर्टिंग करते हैं उसको ग्रेडिंग देते हैं अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन टी की जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम ही है ब्लैक टी की तरह जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि जो ग्रीन टी है उसमें विदरिंग और फर्मेंटेशन नहीं होती है विदरिंग और फॉर्मेंटेशन की जगह यहाँ पे हीटिंग रोलिंग और ड्राइंग होती है बाकी सेम ब्लैक टी की तरह ही है नेक्स्ट हम देखेंगे ओलोंग टी ओलोंग टी ज़्यादातर ताइवान के लोग और अमेरिका के लोग जो हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू ब्लैक टी एक्सेप्ट दैट दिलीव ओनली अलॉट टू लाइट फर्मेंटेशन वहाँ पे फॉर्मेंटेशन का जो भी ड्यूरेशन था टू टू सिक्स आर ब्लैक टी के केस में यहाँ पे लाइट फॉर्मेंटेशन होती है एंड टी विच इज सेमी फॉर्मेंटेड हैज़ ए करेक्टरिस्टिक फ्लेवर जो सेमी फॉमेंटेड टी होती है उसका एक अपना ही करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है नेक्स्ट है ब्रिक टी ब्रिक टी एज अ नेम इंडिकेट थोड़ी रेडिश होगी एंड इट इज जनरली मैन्युफैक्चरड इन चाइना फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू तिब्बत इन रशिया एंड टी इज प्रिपेयर फ्राम लीव्स ट्विग्स एंड रिमेन्फ्ट ओवर फ्राम प्रेपरेशन ऑफ ब्लैक टी जो भी रिमेन बच जाते हैं ब्लैक टी के उससे ये ब्रिक टी प्रोड्यूस होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ब्लैक टी से स्टॉक्स उसकी बच जाती हैं या डस्ट जो रह जाती है उससे जो है वो ब्रिक टी प्रोड्यूस होती है आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू थैंक यू